फ्रेंड्स, मैं रीना, मैं हाथरस से हूँ, बट मैं दिल्ली रहती हूँ। सच्ची मैंने इतनी गंदी औरत कोई नहीं देखी आज तक। बेचारी सपना, वो अपने घर में अपने सास ससुर के साथ कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी ज़्यादा दुखी है रह रही है, और उसको देखो गंद पे गंद बोले जा रही है। सच्ची मैंने तो इतना ज़्यादा ऐसा गंदी औरत कभी नहीं देखी, बट समझ भी नहीं आता कि उसको किस वर्ड से ऐसे बोले कि बूढ़े बुजुर्ग बिना बेटों के बिना उसके रहते, और ये औरत कितना कितना गंद बोलती जा रही है बड़े बुजुर्गों को। सच्ची कोई ऐसा इंसान होगा जो देख के उसका दिल ना पिघलेगा कि बड़े बुजुर्गों को कैसे रहते होंगे, कैसे रहते होंगे। उसे ये भी नहीं पता कि आगे मेरा कैसे मैं अपना ज़िंदगी जीऊँगी, कैसे लोगों को फेस करूँगी, वीडियो बना रही है। और वो बेचारी कौन अपने पति को ऐसे मरवा सकता है, उनके बारे में सपना के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रही है। पता नहीं देखिए उनके माँ बाप पे कितना गंदा असर पड़ रहा होगा, वो कैसे अपने आप को संभाल रहे होंगे। ये जो अपने आप को डॉक्टर समझती है दो कौड़ी की औरत, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, हमारी तो हम ऐसे बस बोल भी नहीं पाते जितना ऐसे बोल रही है। हम तो बहुत सेवा करते हैं अपने सासों से भी, बट पता है मेरे को इतना ज़्यादा लग रहा है। मेरे को इतना ब्लॉग बनाना आता ना ऐसे बात करना आता, बट मैं आज पहली बार मेरे से मैंने सपना का ब्लॉग देखा। सच्ची मेरे से तो सुन के रहा ही नहीं गया, मेरा मन करा कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ और उस औरत को बताऊँ कि तू इतना नीचे गंद कैसे फैला रही है, तुम इतने बड़े बुजुर्गों को कैसे कर रही है। काश किसी दिन तेरे माँ बाप के साथ ऐसा हो, तब तुझे पता चलेगा कि जिनके बच्चे गुजर जाते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। सच्ची मैं मेरे को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि एक तो उनके दोनों बच्चे गुजर गए और उनको परेशान करी जा रही है। इतना कानून भी ख़राब नहीं है, कोई ना कोई तो एक्शन होगा तेरे ऊपर, ऐसी बात नहीं रेखा। इतना गंद बहुत अच्छा, बहुत इतना गंद ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता जो तू फैला रही है ना। और हम दिल्ली में रहते हैं, तो कभी भी आ जा, हमें तो तेरे किसी से नहीं डर लगता बिल्कुल भी। और हम तेरे को गंदी बोल रहे हैं क्योंकि तू गंदी है, तू अपने सास ससुर को परेशान कर रही है। सच्ची बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदी औरत है, क्या बोले, गाली भी देना नहीं आता हमें तो। सच्ची मैं सच्ची बोल रही हूँ भाई, बहुत पागल औरत है। मैंने तो कभी आज तक बनाया नहीं ब्लॉग, कुछ बोला ही नहीं, बट मैं आज इसके देख के ऐसे बहुत रह गई कि कैसी औरतें होती हैं, कैसे अपने सास ससुर को परेशान करती हैं।